बलूचिस्तान के सनती शहर हब में सैलाबी रैला आफत बनकर घरों में दाखिल, 7 अफराद बह गए, एक गाड़ी भी बह गई जिसमें 4 अफराद सवार थे, एक को जिंदा बचा लिया गया। इमदादी कारकुन 8 लाशें निकाल चुके, 2 की तलाश जारी। कराची में बारिश ने तामीराती कामों का पोल खोल दिया, कहीं सड़कें तालाब बन गई तो कहीं बैठ ही गई, गढ़ों में गाड़ियां फंस गई। हादसात में 14 अफराद जहां बहक हो चुके, मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से बिजली गायब, बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा, महकमा मौसमिया। बारिश के बाइस कराची की सब्जी मंडी में भी गलाजत और कचरे के ढेरों से चलना फिरना दो भर, फल और सब्जियां सड़ने लगी, ताजरों को इंतजामिया की अदम ताबुन का शिकवा। पंजाब में बादलों और सूरज में आंख मचोली, मौसम खुशगवार, सूबे में मुख्तलिफ मकामात पर आज भी हल्की बारिश मुतवक्के। मुशीर खारजा सरताज अजीज की वजीर आजम नवाज शरीफ को फॉरन ऑफिस में खारजा अमूर पर ब्रीफिंग, भारत अफगानिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात ब्रीफिंग का हिस्सा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी पारा चनार में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, ISPR के मुताबिक सिपासालार कबायली मादीन और जाबहक अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात करेंगे। पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के सामने लवाहिकीन का धरना 8वें रोज भी जारी, मुजाहिरीन का मुतालबा है कि आर्मी चीफ और वजीर दाखिला खुद आकर उनके मुतालबात सुने। सानिहा ऑयल टैंकर अहमदपुर शरखिया में झुलस कर जख्मी होने वाले, 7 अफराद निश्चर अस्पताल मुल्तान में जबकि एक जख्मी जिना अस्पताल लाहौर में दम तोड़ गया, जाबहक अफराद की तादाद 188 हो गई। नेटो ने अफगानिस्तान में मजीद फौज भेजने का फैसला कर लिया, नेटो के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत पर मजीद तवज्जो दी जाएगी, जबकि अमरीकी वजीर दफा जेम्स मैट्स का कहना है कि अफगान फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के काबिल हो चुकी। मुल्क में एक और मालियाती साल नाकामी का नजर हो गया, सनअत तजारत बरामदात तरसीलात जर समेत बेशतर शोबों में माशी अहदाफ हासिल न हो सके। मुल्क में कल से पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान, पेट्रोल 3.30 रुपए, डीजल 2.70 रुपए सस्ता हो सकता है, ओग्रा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी।